उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये नई रेसिपी बनाना बता रही हूँ और बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है ये। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ लेफ्ट ओवर रुमाली रोटी से रेसिपी, और कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, खाने की चीज़ है, बच भी जाती है घरों में। तो हम इसके ये राउंड शेप में है तो फ्लैट पीस रेक्टेंगल या स्क्वायर में नहीं कटेंगे, तो इसका मैं इस तरीके से चार पीस कर लूँगी। जितने पीस आप करना चाहें, जितनी बड़ी रोटी हो उतनी हम कर लेंगे। और जो सब्जियां मेरे पास घर में है वो मैंने ली है, और हरी मिर्च है, ये गोभी है, जो भी है आपको दिखाई दे रहा है, गाजर है, जो भी आप पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं तो नहीं डालिए। और पनीर है, एक चीज़ क्यूब है, चीज़ सबको पसंद आता है और बच्चे शौक से खाते भी हैं। और सूखी मैदा है, और थोड़ा ये बटर लिया है, और मिर्ची और मसाले आपको अपनी पसंद के अनुसार डालने हैं। मैं इसमें काली मिर्च और चाट मसाला डालूंगी, और कोई ऐसा एक्स्ट्रा मसाला मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ्लेवर फिर चेंज हो जाएगा। चलिए पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा कच्चापन इनका ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ मैंने चार पीस कर लिए हैं और इनको अब रख देते हैं हम साइड में। चार पीस से ज़्यादा करेंगे तो रेसिपी सही से नहीं बन पाएगी हमारी, तो रख देते हैं। चलिए अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं। यहाँ थोड़ा बटर डाल दिया मैंने, और सबसे पहले इसमें हम प्याज डालेंगे। ज़्यादा नहीं जलाना है, थोड़ा कच्चा पानी ख़त्म करना है सभी सब्जियों का। लो मीडियम फ्लेम पर ये काम हमें करना है, बाकी सब्जियों को डालते जाएंगे। अपनी पसंद की कोई भी सब्जी आप यूज कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड होगा, सॉल्ट इतना डालिए जितना आपको पसंद है, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा चाट मसाला, अब थोड़ा इनको हम ठंडा कर लेते हैं। सॉफ्ट हो गई सब्जियाँ, और गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पनीर, इसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची, स्पाइसी अगर पसंद करना है तो वैसे हरी मिर्ची है इसमें, अपनी पसंद के अनुसार डालिएगा। बस ये मिक्सचर हमारा रेडी है। इसमें और भी कुछ आप अपनी पसंद से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी चीज़ स्लाइस, इसको कट करके डालिए चाहे ग्रेट करके डालिए, ये सब मेल्ट हो जाती है। ये चीज स्लाइस डाल दिए मैंने इसमें, चलिए आगे का हम प्रोसेस करते हैं। अब ये ठंडा होने के बाद इसको हम दही में मिक्स करेंगे, गरम को मिक्स नहीं करना है नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि दही में ठंडा होने के बाद ही मिलाना है, अगर आप दही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए इसको हम घोल रेडी कर लेते हैं। जितने स्टफिंग आए इजीली इसको हम इसमें भर लेंगे। और इसको अच्छे से स्टफ कर देंगे, कम ज़्यादा भरना ये आपकी मर्जी के ऊपर है। और इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। इस तरीके से इसको बंद करके हम साइड में रख देंगे। ऐसे हम चारों रोल बना लेंगे। मेरी एक ही रोटी बची हुई थी तो मैंने चार पीस बनाए, तो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो जाएगा। तरीके से और भी बना सकते हैं कि पहले आप इसको ऐसे रोल कर लीजिए,
और इसको ऐसे कर लीजिए जैसे समोसा होता है, और इसको प्रेस कर लीजिए इस तरीके से, जैसे आपको आसानी लगे। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, और अब इसके अंदर स्टफिंग भर लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें हम स्टफिंग भर देंगे सारे, बस अब इसको हम बंद कर देंगे। दोनों तरीके से कैसे भी आप इसको भर सकते हैं। एक शेप और बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये फटा हुआ था, तो इसका रोल इस साइड से और छोटा हो जाएगा। तो मैं इसका क्या करूँगी कि इसको ऐसे करके इसका मैं दूसरा शेप दे देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करूँगी, ये अंदर आ जाएगा कटा हुआ पार्ट, और इसके बाद हम थोड़ा सा और इसमें पेस्ट लगाएंगे, और इसके ऊपर ओवरलैपिंग करके इधर आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारी ये स्क्वायर शेप बन जाएगी, और अब इसके अंदर हम स्टफिंग भर देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट छिपाना था, सही से फोल्ड करने के लिए, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल जाती। आपसे नहीं छिपाना था, केवल इसको सही से सेकने के लिए छिपाना था। आपको तो दिखाना है कि मैंने क्या किया, ठीक है। एक शेप ये हो गई, चलिए अब इसको स्टफ कर देते हैं। ये मेरी सारी स्टफिंग बराबर बैठी है, अब इसको साइड कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्क्वायर शेप बन गई उसी शीट से, क्योंकि हमारी थोड़ी सी कट हो रही थी, और इस टाइप से करने में उसमें दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। और भी बहुत सारी डिज़ाइन है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना करके और ढेर सारी सब्जियां भर करके बच्चों को खिलाई। चलिए अब इनको, सिकी हुई तो रोटी है, सब कुछ है पका हुआ, अब हम इनको तवे पे केवल थोड़ा सा बटर लगा के सेकेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। तो ये हमारी रेडी हो गई, थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। ये रेडी है हमारे।